नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सागर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम एक्साइज कांस्टेबल और स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल जैसे परीक्षाओं में आपकी काफ़ी मदद करेगा। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये आपका विद्रोह एवं आंदोलन का है। हम देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न आपके विद्रोह एवं आंदोलन से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और दोस्तों, जैसा कि झारखंड का जीके आने वाले एग्जामों में काफ़ी ज़्यादा है, तो विद्रोह एवं आंदोलन से झारखंड के किसी भी एग्जाम में आपके एक या दो प्रश्न जरूर ही दिए जाते हैं दोस्तों, कि कौन सा विद्रोह किस काल में हुआ और उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे। इस तरह के प्रश्न आपके झारखंड के एग्जामों में देखने को अक्सर मिलते हैं। तो आज हम जो भी जितने भी सारे इंपॉर्टेंट विद्रोह एवं आंदोलन झारखंड में घटित हुए दोस्तों, उनके नेतृत्वकर्ता और वे किस काल में घटित हुए उसकी स्टडी आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, आप शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो इसी तरह के अपडेट पाने के लिए, झारखंड के से रिलेटेड जॉब तथा जीके की अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को जरूरी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर इसे ऑन कर दें ताकि आपको अपडेट सही समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विद्रोह एवं आंदोलन। तो दोस्तों, पहला विद्रोह की अगर बात करें तो ये है आपका पहाड़िया विद्रोह, जो कि आपका 1772 से 1780 के बीच में ये विद्रोह किया गया। दोस्तों, पहाड़िया आंदोलन की शुरुआत झारखंड राज्य के आदिवासियों द्वारा उन पर बढ़ रहे ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ की गई, जो वर्ष 1772 ईस्वी से 1780 तक चला। तो दोस्तों, यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट ये बन जाता है कि पहाड़िया विद्रोह कब से कब तक चला, तो ये 1772 से 1780 तक चला, यानी कि ये 8 वर्षों तक पहाड़िया विद्रोह झारखंड राज्य के आदिवासियों के द्वारा किया गया था ब्रिटिश अत्याचार के खिलाफ। अगर इसी तरह दोस्तों, हम अगर दूसरे विद्रोह की बात करें तो ये था आपका मांझी विद्रोह, जो कि 1780 से 1785 के बीच में किया गया था। दोस्तों, इस विद्रोह की शुरुआत तिलका मांझी उर्फ जबरा मांझी ने की। तो दोस्तों, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि मांझी विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो ये तिलका मांझी, इनका दूसरा नाम जबरा मांझी के नाम से तिलका मांझी को जाना जाता है। दोस्तों, अगर तिलका मांझी के बारे में कुछ जान लेते हैं, तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 को हुआ था। मांझी ने ब्रिटिश साम्राज्य के अत्याचारों के खिलाफ एक विद्रोह की शुरुआत की, जिसे मांझी विद्रोह का नाम दिया गया और यह विद्रोह 1780 से 1785 तक बना। तो दोस्तों, ये दूसरा विद्रोह जो मांझी विद्रोह है, इसे दो इंपॉर्टेंट चीज़ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इनके नेतृत्वकर्ता कौन है, मतलब किसने शुरुआत की थी इस विद्रोह को। तो तिलका मांझी के द्वारा शुरुआत किया गया था और इनका दूसरा नाम भी जबरा मांझी के नाम से ही इनको जाना जाता है। और दोस्तों, कभी कभी तिलका मांझी का जन्मतिथि भी पूछा जाता है, तो तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 को हुआ था। हम अगले विद्रोह की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा विद्रोह, सबसे इम्पोर्टेंट विद्रोह है दोस्तों, तमाड़ विद्रोह, जो कि 1795 से 1800 ईस्वी तक ये चला था, यानी कि 5 वर्षों तक ये विद्रोह तमाड़ विद्रोह किया था। इस विद्रोह का नेतृत्व दुखान मानकी ने किया था। यह विद्रोह 1795 से 1800 ईस्वी तक चला। तो तमाड़ विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे दोस्तों? दुखान मानकी। और ये विद्रोह कब से कब चला? तो 1795 से 1800 ईस्वी तक। अगला विद्रोह हमारा है दोस्तों, मुंडा विद्रोह। और ये विद्रोह सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इससे प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको अक्सर इससे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, मुंडा विद्रोह आपका 1795 से 1800 ईस्वी के बीच में हुआ। दोस्तों, इस विद्रोह का नेतृत्व विष्णु मानकी ने किया था और यह विद्रोह भी तमाड़ विद्रोह की तरह 1795 से 1800 ईस्वी तक ही चला। तो दोस्तों, जो 1795 से 1800 ईस्वी के बीच में जो मुंडा विद्रोह हुआ, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये विष्णु मानकी। और अगर यही दोस्तों पूछा जाए कि 1800 से 1802 के बीच में मुंडा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो ये दुखान मानकी, जिन्होंने तमाड़ विद्रोह का भी नेतृत्व किया। तो इससे यहाँ पे दो प्रश्न बन जाता है कि 1795 से 1800 ईस्वी के बीच में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व कौन किए? तो विष्णु मानकी। और 1800 से 1802 के बीच में कौन किए? तो दुखान मानकी के द्वारा यह विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। और दोस्तों, मुंडा विद्रोह अगर पूछा जाए कि 1819 से 1820 के बीच में इसका नेतृत्व कौन किया, तो यह विद्रोह भी सभी विद्रोहों की तरह अंग्रेज़ों के हुकूमत के खिलाफ हुआ था। इसकी शुरुआत पलामू के भूखन सिंह ने किया था। तो दोस्तों, मुंडा विद्रोह माना जाए 3 समय काल में घटित हुआ। पहला 1795 से 1800 ईस्वी के बीच में, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो विष्णु मानकी। और 1800 से 1802 के बीच में नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये दुखान मानकी। और अगर पूछा जाए दोस्तों कि 1819 से 1820 के बीच में मुंडा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो इसकी शुरुआत पलामू के भूखन सिंह के द्वारा किया गया था। अगला सबसे इम्पोर्टेंट विद्रोह है दोस्तों, खेवर विद्रोह, जो कि 1832 से 1833 के बीच में यह विद्रोह किया गया था। खेवर विद्रोह की शुरुआत
दुबई गोसाई पटेल सिंह और भागीरथ के नेतृत्व में 1832 ईस्वी में किया गया था। यह विद्रोह 1833 ईस्वी तक चला। तो इसके नेतृत्वकर्ता के अक्सर ये भागीरथ का जो नाम ऑप्शन में दिया जाता है दोस्तों, तो यहाँ से आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि खेवर विद्रोह 1832 से 1833 के बीच में चला और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो ये भागीरथ के द्वारा किया गया था इस विद्रोह का शुरुआत। अगला सबसे इंपॉर्टेंट विद्रोह है भूमिज विद्रोह, जो कि 1833 से 1834 के बीच में हुआ था। दोस्तों इस विद्रोह का नेतृत्व संत गंगा नारायण ने किया था। इस विद्रोह को संत गंगा नारायण ने वर्तमान बंगाल के मिदनापुर जिले के डालभूम और जंगल महल के आदिवासियों की मदद से किया था। तो दोस्तों इससे ये प्रश्न पूछा जाता है कि भूमिज विद्रोह का कब से कब चला, तो 1833 से 1834 तक चला और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो गंगा नारायण के द्वारा भूमिज विद्रोह शुरुआत किया गया था। अगला इंपॉर्टेंट विद्रोह है संथाल विद्रोह 1855। दोस्तों संथाल जनजाति जो मुख्यतः झारखंड पश्चिम बंगाल उड़ीसा असम में पाई जाती है, इन जनजाति में बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कार्नवालिस के खिलाफ विद्रोह छेड़ा। इस विद्रोह को संथाली विद्रोह कहा जाता है। कभी कभी प्रश्न में ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि संथाल विद्रोह का जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो किया गया था उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे या फिर किसके खिलाफ किया गया था, तो ये गवर्नर लॉर्ड कार्नवालिस के खिलाफ विद्रोह छेड़ा गया था 1855 का संथाल विद्रोह। दोस्तों 1855 का जो संथाल विद्रोह था इसका कार्यकाल 1855 से 1860 के बीच में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता थे दोस्तों सिद्धू कानू के द्वारा किया गया। अगला विद्रोह है दोस्तों सिपाही विद्रोह, जो कि 1856 से 1857 के बीच में हुआ। दोस्तों यह विद्रोह ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ पहला सशस्त्र विद्रोह था, जिसे शहीद लाल विश्वनाथ सहदेव, शेख भिखारी, गणपत राय एवं बुद्धू वीर के नेतृत्व में किया गया। इस विद्रोह की शुरुआत आगजनी तथा छावनियों में तोड़फोड़ से की गई, लेकिन आगे जाकर इस विद्रोह में विशाल रूप लिया और इस विद्रोह के खत्म होते होते ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो चुका था और ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष शासन शुरू हो चुका था। तो इससे इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों सिपाही विद्रोह कब से कब के बीच में हुआ, तो 1856 से 1857 के बीच में हुआ और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे दोस्तों, तो ये इसके तीन नाम सबसे ज़्यादा एग्जाम में ऑप्शन में दिए रह जाते हैं, विश्वनाथ सहदेव, शेख भिखारी और गणपत राय। आपको ये तीन नामों को ध्यान में रखना है। अगला विद्रोह था दोस्तों खेरवार आंदोलन। ये आंदोलन आपको 1874 में स्टार्ट हुआ था। खेरवार आंदोलन की शुरुआत भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 ईस्वी में की गई। भागीरथ मांझी तिलका मांझी के पुत्र थे। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह छेड़ने पर तिलका मांझी को फांसी दे दी गई। इसके बाद भागीरथ मांझी ने खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किया। तो दोस्तों खेरवार आंदोलन का शुरुआत कब किया, तो 1874 में किया गया और किसके नेतृत्व में किया गया, ये भागीरथ मांझी के नेतृत्व में किया गया था। और भागीरथ मांझी दोस्तों ये तिलका मांझी के पुत्र थे। अगला विद्रोह है दोस्तों खड़िया विद्रोह। खड़िया विद्रोह की शुरुआत तेलंगा खड़िया ने की। तेलंगा खड़िया का जन्म 9 फरवरी 1806 ईस्वी को झारखंड के गुमला जिले के मुरगू गांव में हुआ था। तो दोस्तों अगर खड़िया विद्रोह कब स्टार्ट हुआ, तो ये 1880 में शुरुआत किया गया और किसके द्वारा ये शुरुआत किया गया, तो तेलंगा खड़िया के द्वारा किया गया, जो कि जिनका जन्म 9 फरवरी 1806 ईस्वी को झारखंड के गुमला डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। अगला विद्रोह है दोस्तों मुंडा विद्रोह, जो कि 1895 से 1900 के बीच में जो मुंडा विद्रोह हुआ इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। तो दोस्तों जो 1895 से 1900 के बीच में मुंडा विद्रोह हुआ इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो ये बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। दोस्तों अगर पूछा जाए कि बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ, तो बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के उलीहातू नामक स्थान पर हुआ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देखे विद्रोह एवं आंदोलन से रिलेटेड किस तरह के प्रश्न झारखंड के आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, कि कौन सा विद्रोह किस कार्यकाल में हुआ और उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट विद्रोह किए गए हैं झारखंड में दोस्तों, उन सारे का हम स्टडी इस वीडियो में किए हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।